जय श्री महाकाल दोस्तों, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही कमेंट आ रहा है कि दुर्लभ कश्यप के कातिलों से बदला लिया जाना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि दुर्लभ गैंग का मास्टरमाइंड चयन सिखे, जिसने सबसे पहले तो इंदौर के अनिल दीक्षित को टपकाया और उसे टपकाने के बाद बताया जाता है कि वो फरार तो चल ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो कर रहा है शायद उसके बारे में यदि आप जानोगे तो कहीं ना कहीं आप भी दंग रह जाओगे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय श्री महाकाल दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा निवेदन है कि जो भी दुर्लभ कश्यप की वीडियोस को देख रहे हो तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नया खबर भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि दुर्लभ कश्यप गैंग का मास्टरमाइंड चयन सिखे जो कि क्या चाहता है। दरअसल अब लोगों को ऐसा लगता है कि शायद दुर्लभ कश्यप के कातिलों से बदला लिया जाएगा और दुर्लभ कश्यप का जो सबसे बड़ा दुश्मन शाहनवाज खान था उसे अब नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि चयन सिंह इस समय में जिस तरह का काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को चौंका कर रख दिया है। बताया ये जा रहा था कि इंदौर का अनिल दीक्षित जो कि बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर बदमाश था, और अनिल दीक्षित के बारे में ये भी बताया जा रहा था कि अनिल दीक्षित जिसने कि चयन सिंह के दोस्त से झगड़ा करा था, और उसके बाद बताया ये जा रहा है कि चयन सिंह ने ही अनिल दीक्षित को इस दुनिया से उठा दिया। अब चलो उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था लेकिन फिर भी बता देता हूं, तो जब अनिल दीक्षित को मारा गया तो उसी रात बताया जाता है कि चयन सिंह जो कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आया, और लाइव आने के बाद उसके हाथों में पिस्टल था और उसने फायरिंग भी कर दिया। जब उसने फायरिंग करा तो लाइव में जितना भी लड़का जुड़ा हुआ था हर कोई चौंक गया और हर किसी को लगा कि भाई सोशल मीडिया पर इस तरह का काम ये कैसे कर सकता है, इतना ज़्यादा निडर कैसे है चयन सिंह। हालांकि आपको बता दें कि इंदौर पुलिस जो कि चयन सिंह को बड़े ही बेसब्री से ढूंढ रही है, और यदि चयन सिंह पुलिस वालों के हत्थे चढ़ता है तो पुलिस वाले उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि आज के समय में चयन सिंह जो कि शक के दायरे में है, क्योंकि अनिल दीक्षित का जो मर्डर हुआ उसके बाद से चयन सिंह जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो फरार चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि चयन सिंह फरार चलने वाला आदमी नहीं है, बल्कि वो कोई न कोई दूसरा दिमाग लगा रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह से केकेसी गैंग के लड़कों का खात्मा करा जाए। हालांकि आपको बता दें कि चयन सिंह के बारे में एक बहुत ही खतरनाक वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में बताया जा रहा है कि अब उसके हाथों में पिस्टल नहीं बल्कि AK-47 है। अब देखो बहुत सारे लोग पहले चयन सिंह के बारे में यह अनुमान लगाते थे कि चयन सिंह जो कि डरपोक बंदा है उससे कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो दुर्लभ कश्यप का बदला लेगा, और बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई ये केवल सोशल मीडिया पर आकर के बरबरा देता है और उसके बाद फिर चला जाता है, ये करता कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है, अब इस बार चयन सिंह ने जो करा है वो कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास को ही खत्म कर दिया। लोगों के मन में जो ये विश्वास था कि चयन सिंह जो कि डरपोक है, जो कि छोटा मोटा गैंगस्टर है, उस बात को चयन सिंह ने लोगों के माइंड से मिटा दिया, क्योंकि चयन सिंह आज के समय में जिस तरह के वारदात को अंजाम दे रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को चौंका कर रख देता है और आश्चर्य में डाल देता है। हालांकि आपको बता दें कि चयन सिंह के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि वो फरार चल रहा है तो ये बात कहीं ना कहीं सच है। अब देखो चयन सिंह चाहता है कि वो खुद को प्रोटेक्ट करके रखे, क्योंकि आज के समय में दुर्लभ कश्यप गैंग जो चल रहा है उसमें चयन सिंह का बहुत बड़ा भागीदारी है। और देखो ऐसा नहीं है कि मैं गैंगस्टरों का समर्थन करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जो लगता है क्योंकि चयन सिंह ही है जिसके वजह से दुर्लभ कश्यप का गैंग आज के समय में एक्टिव है, और चयन सिंह ही है जो कि कुछ ना कुछ बीच में कुछ ना कुछ नया नया कांड तो करता ही रहता है या कुछ ना कुछ नया नया कारनामा करके लोगों को चौंका कर रख देता है। तो चयन सिंह के बारे में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो आगे कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है और इस बार वो केकेसी गैंग का सफाया कर देगा। हालांकि आपको बता दें कि एक यूट्यूब चैनल पर चयन सिंह का जिस तरह से वीडियो आया उस वीडियो में वो AK-47 लहरा रहा था और उसके साथ और भी बहुत सारे लड़के थे जो लड़के की नशे में थे, तो आप सबों को पहले भी इस वीडियो के बारे में कुछ ना कुछ खबर मिला होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को बता दूं। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल शाहनवाज खान और उसके गैंग के जितने भी लड़के हैं अब वो भी कहीं ना कहीं सावधान होंगे और उन लोगों के भी मन में होगा कि भाई किसी भी तरह से ये लड़ाई टल जाए, क्योंकि फिलहाल चयन सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि चयन सिंह के ऊपर पागलपन सवार हो चुका है और अब वो किसी को भी नहीं बकसने वाला है, अब वो किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। तो फिलहाल आगे देखते हैं कि आखिरकार चयन सिंह का अगला कदम होता क्या है। लेकिन चयन सिंह के बारे में जो सोशल मीडिया पर एक तरह का वीडियो वायरल हो रहा है भाई, उस वीडियो के बाद हर कोई सोच रहा है कि चयन सिंह जो कि इतना ज़्यादा खूंखार कैसे हो सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि चयन सिंह के पीछे भी कोई ना कोई अवश्य है, हो सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हो या फिर कोई खतरनाक आदमी हो। तो अभी तक चयन सिंह ने अपने गर्लफ्रेंड के बारे में तो कोई खुलासा नहीं करा है, लेकिन अगर किसी को पता है तो भाई बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो
तो एक वीडियो छयंसिके के गर्लफ्रेंड के बारे में भी हो जाएगा। देखो किसी के भी पीछे ना कोई खतरनाक आदमी जरूर होता है, तभी जा करके वो खूंखार होता है। लेकिन फिर भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इंस्पायर्ड नहीं कर रहा हूँ कि आप गलत काम करो, बिल्कुल भी नहीं। देखो छयंसिके का कहानी सुन करके आप ज़्यादा मोटिवेटेड मत होना, क्योंकि आपको बता देना कि छयंसिके के ऊपर अभी आरोप है कि उसने अनिल दीक्षित का हत्या करा है, और यदि छयंसिके पुलिस वालों की गिरफ्त में आता है तो भाई उसको जेल जाने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तो फिलहाल छयंसिके जो कि सतर्क है, और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी सतर्क रहो, सावधान रहो, और गलत चीज़ों से दूर रहो, गलत लोगों से दोस्ती नहीं करो, आपराधिक काम मत करो, अच्छा काम करो। और जब इतना काम नहीं ही करना है तो एक चीज़ कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो अच्छा काम करके।